हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ब्रेन एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको किंड से क्लास ट्वेल्थ तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है इतना ही नहीं अगर आप चाहते हैं पढ़ना एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड राजस्थान बोर्ड दिल्ली बोर्ड सभी कुछ एक ही जगह पर तो आप पढ़ सकते हैं मैगनेट ब्रेन हिंदी पर सभी कुछ एक ही जगह पे साथ साथ अगर बुक्स और नोट्स भी चाहिए तो ई बुक्स ई नोट्स भी अवेलेबल हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ आज की क्लास जो है वो हमारी चल रही थी चैप्टर नंबर टेन वर्ल्ड टेल स्टोरीज ये चैप्टर हमारा चल रहा था ऑल अब तो ये फिनिश होने वाला है तो इसमें जो आज के टॉपिक है वो है मेक योर ओन म्यूजियम लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। सो हम यहाँ पे जो लास्ट क्लास है उसमें हमने पढ़ा था म्यूजियम के बारे में राइट right? कि बच्चे जो है वो फोर्ट के बाद कहाँ गए म्यूजियम में गए म्यूजियम में ढेर सारी चीजें देखी उसके बाद हमने आपका भी एक्सपीरियंस शेयर करवाया कि आप लोग कौन से म्यूजियम गए हो वहाँ पे अपने क्या क्या एंटीक चीजें देखी ऐसी कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी राइट right? एक सर्वे तरह सर्वे था जिसमें आपने चीजों को डिस्कस किया कि अगर आप आप जो म्यूजियम गए थे तो आपने क्या क्या अलग चीजें नोटिस करी वो चीजें क्या थी ये सारी चीजें राइट फिर हमने आपसे ये भी पूछा कोई फोर्ट गए हो तो आपने बताया हमने इसमें रेड फोर्ट के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी वहां किसने रूल किया वो किससे बना हुआ है उसका कलर क्या है एवरी थिंग भी डिस्कसड अबाउट इट सो लास्ट जो हमारा टॉपिक था जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ज्यादा किए थे जिसमें हमने वो भी आपके एक्सपीरियंस को कि आप कहाँ गए हो आपने कैसा देखा है वही सारी चीजें शेयर करवाई थी राइट सो so, वो तो बहुत ही इजी क्लास थी आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि मेक योर ओन म्यूजियम आप कैसे खुद का म्यूजियम बना सकते हो तो दूसरा लुक एट द पेंटिंग पेंटिंग आई शो यू वन और उससे आपको देंटिंग बनने चाहिए उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो हम पेंटिंग में देख के आंसर करेंगे ठीक है चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द क्लास मेरा नाम है खुशी पढ़ाती है आपको क्लास वन टू ईवीएस फिफ्थी एनवायरमेंटल स्टडीज

गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है कहाँ पर केरला के एक जगह पे जिसका नाम है मलापुरम ठीक है टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी कलेक्टेड मेनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेस सो उसने क्या किया उन्हें एक अपना खुद का म्यूजियम बनाने के लिए सभी बच्चे के साथ मिलकर उन्हें सभी घरों की कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठी कर ली, कलेक्ट कर ली, लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स लॉक्स अम्ब्रेलाज वुडन स्लीपर्स जिन्हें हम खादून कहते हैं एक्सेट्रा तो so, ये कुछ पुरानी चीज़ें लोगों के घर में आपको देखेगा आपके घर में भी उस वक्त कोई बहुत पुरानी चीज़ रखी हो जो दादी कहती हूँ ये तो हमारे समय से भी पहले की है दादी कहती हूँ ये तो मेरी दादी की भी दादी की है तो वो क्या हो गई बहुत पुरानी पुश्तनी चीज़ हो गई तो इसलिए उन्हीं चीज़ों को हमने कलेक्ट कर लिया दे ऑल्सो सॉ वॉट दीज थिंग्स लुक लाइक टूडे एंड फिर उन्होंने देखा कि ये चीज़ें आज कैसी दिखती हैं रजनी एंड द चिल्ड्रेन अप एन एग्जीबिशन सब लोगों ने अपनी अपनी पेंटिंग बनाई साइंस एग्जीबिशन होती है जिसमें सब लोग अपने साइंस के प्रोजेक्ट बना के लाते हैं तो हम कोई भी चीज को प्रेजेंट करते हैं उसको एक ही जगह पे सब अलग अलग तरह के लोग जिस चीज को लोग देखने आते हैं ओके दैट इज कॉल्ड एग्जीबिशन तो वैसे ही उन बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई किस चीज़ की ओल्ड और न्यू चीज़ की कि पुराने जमाने की चीज़ें ऐसी दिखती थी और आज की ज़माने की चीज़ें ऐसी दिखती हैं जैसे पुराने जमाने के आप लोगों के टेलीफोन होंगे जिसमें क्या नंबर से घुमा घुमा के लगते हैं पर आज के स्मार्टफोन्स आईफोन्स आप देख सकते हो सो so ये डिफ्रेंशिएशन आपने वहाँ भी शो किया होगा ठीक है विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड कम्स टू सी यू कुड ऑल्सो डू दिस सो आस पास के लोग नेबरहुड यानी पूरे आस पड़ोस के लोग वो एग्जीबिशन देखने आए और ऐसा आप लोग भी प्लान कर सकते हो अभी टीचर नहीं कराते तो व्हाट यू कैन डू आप सब फ्रेंड्स मिलके एक एक पुरानी चीज अपने अपने घर से लेके आओ आट फ्रेंड्स और फिर देखो वो चीज आज कैसे दिखती है और इसी की एग्जीबिशन भी लगा सकते हो राइट सो दिस इज मेक योर ओन म्यूजियम राइट चलो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है लुक एट द पेंटिंग एंड टेल

क्वेश्चन क्या है वॉट काइंड ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग देखो देखो पहले पेंटिंग पे आपको पेंटिंग में क्या दिख रहा है यहाँ पे विजिबल नहीं है अपनी बुक में आपकी पेंटिंग इतनी बड़ी दी हुई है बुक में भी देख सकते हो क्या दिख रहा है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं राइट कुछ लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी लकड़िया हैं कुछ लोग क्या कर रहे हैं कुछ लोग हथौड़ा भी मार रहे हैं कुछ लोग पानी निकाल रहे हैं कुछ लोग क्या कर रहे हैं अलग अलग काम आपको कुछ लोग मिट्टी लेके सर पे भी जा रहे हैं तो अलग अलग काम करते हुए आपको यहाँ पे लोग दिख रहे हैं सो so, क्या आंसर लिखोगे पीपल आर वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे हैं construction site है? जहां साइट सम पीपल समरिंग वॉटर वेल समीपलिंग सम पीपल आर फिक्सिंग ब्रिक्स कुछ लोग वाटर कैरी कर रहे हैं लेके जा रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं फिक्स कर रहे हैं ब्रिक्स को ब्रिक्स यानी कि ईटें Eat, पता है ना आपको क्या होती है यानी कि ठीक है है तो पे 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 सभी सभी लोग कहां पे है? construction site पे हैं 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 जैसा हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे construction चल रहा पानी कैरी कर रहे हैं वाटर कैरी कर रहे हैं और कुछ लोग ब्रिक्स को फिक्स कर रहे हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर वर्किंग कितने मेन एंड वुमेन वर्क कर रहे हैं काउंट दिस देखो आप काउंट करो एक बार ट्राई करो मैं रेड पेन रेड कर देता हूँ उसको कलर को देखो यहाँ आंसर के अलावा हम पहले काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट एलेवन ट्वेल्व आपको भी काउंट करना है फिर देखते किसका सही आता है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी देखो अगर हम आगे पीछे के कम लोग काउंट कर रहे हैं और पूरे लोग नहीं काउंट करेंगे तो ट्वेंटी अराउंड मैन आ जाएंगे एंड वुमेन हो जाएगी वन टू देखो

How they are taking आर टेकिंग pillar पिलर अलोंग slope स्लोप it easier to टू लिफ्ट heavy थिंग स्ट्रेट अप और along अ स्लोप सो यहाँ पे देखो आप यहाँ यहाँ पे लोग क्या मैंने बताया था ना बड़ा सा वो लेके जा रहे हैं पिलर जब मैंने बताया था कि लोग कैरी कर रहे हैं कोई चीज लेके जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं यूज पिलर इट इज इजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप ऊपर ले जाना इजी है या स्लोप के आ, स्लोप ले जाना स्लोप पे ले जाना इजी है ये पूछा जा रहा है तो कोई भी चीज अगर आप स्लोप पे लेके जाओगे ढलान वाली जगह पे वो इजी होगी रदर देन स्ट्रेट आप जाने से कोई भी चीज स्लोप पे इजी रहती है राइट right? सो so, वही चीज आपको लिखनी है कि हम कोई भी भारी चीज जब कैरी करते तो वो स्लोप बना होगा तो बहुत इजी रहेगा नहीं तो बहुत डिफिकल्ट तो रहता है ये भारी चीज उठाना

जो क्या कर कैरी कर रहा हो मशाक कैरी कर रहा हो यानी एक लेदर बैग अपने पीठ पर जो कि पानी से भरा होता है सो so, अगर दिख रहा है दिख गया सो so, उसको लिखो यस आई कुड सी द मैन कैरिंग वाटर इन मशाक ठीक है मशाक तो पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी याद है चलो ठीक है अच्छी बात है अगर याद है तो चलो स्टूडेंट्स तो आज की क्लास तो होती खत्म एक सिंपल क्लास थी जिसमें हमने क्या कवर किया मेकिंग ओन म्यूजियम जो एक्टिविटी आपको घर पे करनी है है ना दूसरी चीज लुक एट द पिक्चर हमने पिक्चर को देखा जो 500 साल पुरानी थी उस पिक्चर को हमने डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चन किए तो वेरी सिंपल एंड इजी क्लास ऐसे ही हमने पूरे चैप्टर को जो डिफिकल्ट चैप्टर था हिस्ट्री से रिलेटेड था कितना ईजी बना दिया इजिली अब याद हो जाएगा आपको क्योंकि पूरा चैप्टर आपने समझाए पर अब इस केस में हमारा पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है ऑल राइट स्टूडेंट्स तो बाकी आप सभी जानते हैं कि क्लास ही नहीं आपको क्लास किंडर से किंडर गार्डन से लेके ट्वेल्थ तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है इतना ही नहीं अगर आप पढ़ना चाहते हैं एम बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड राजस्थान बोर्ड बोर्ड तो सारी ही चीजें आप एक जगह पर पढ़ सकते हैं वो है हिंदी पर साथ साथ आपको बुक्स और नोट्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे ई बुक्स ई नोट्स जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है सो so, स्टूडेंट्स मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू और फिनिश इन द नेक्स्ट क्लास क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है Alright, so stay tuned till we meet soon.